आप देख रहे हैं मंडी लेवल अपडेट। सुबह से ही सोने चांदी कीमतों में निचले हिस्सों से पुल बैक है। अक्षय तृतीया से पहले यहां पर जो पुल बैक है वो आज 50 रुपये ऊपर ले आया M6 गोल्ड को, और सिल्वर 122 रुपये की स्ट्रेंथ शो हो रही है। क्रूड हालांकि अब 1.5% कमजोर हो चुका है और यहां पर बिकवाली और गहरा गई है। 3154 के लेवल पे फिलहाल कामकाज हो रहा है। 43 रुपये साफ हुए हैं, जो ऊपरी स्तर पर दबाव बढ़ा है। मेरे साथ एंजल कॉमोडिटी से अनुज गुप्ता साहब मौजूद हैं। अनुज जी नमस्कार। सबसे पहले तो प्रेशियस मेटल्स पे नजरिया दें सर, आज के दिन की रणनीति बताएं लेटर हाफ के लिए। गोल्ड सिल्वर में हमने लोअर लेवल से बाउंस बैक आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में लोअर लेवल से बाउंस रहेगा। इवनिंग सेशन हमें लगता है कि ऊपर की तरफ भाव आ सकते हैं, तो गोल्ड सिल्वर के लिए हमें लगता है कि बाइंग करके चलना चाहिए। गोल्ड में टारगेट इंटरटे अगर बात करें तो करीबन 28,800 से लेकर 28,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और चांदी के अंदर करीबन 40,400 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्रूड पे दबाव जो बना है ये आज बढ़ सकता है क्या? 1.5% कमजोर हो चुका है, क्या टारगेट लेके चले जिन्होंने शॉर्ट ओपन किए हों शुरुआती से? क्रूड के अंदर जो ट्रेंड है वो डाउनसाइड का ही है, इन्वेंट्री बढ़ती हुई नजर आई है। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर और नेचुरल गैस दोनों ही कमोडिटीज में हमको इवनिंग में गिरावट देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि क्रूड नीचे करीबन 3100 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकता है, और नेचुरल गैस नीचे करीबन 204 रुपये तक के लेवल दिखा सकती है। अच्छा, बेस मेटल्स पे कोई एक कमोडिटी चुने आज के लिए आप? और देखिए, बेस मेटल हमने पिछले 2 दिनों में थोड़ी रिकवरी आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि बेस मेटल में कॉपर और जिंक दोनों में बाय कर सकते हैं। कॉपर में टारगेट ऊपर 370 रुपये से 72 रुपये तक देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए, ट्रेडिंग आइडिया शेयर करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बाजार की अंतिम बाजी। आप देखते रहिए जी बिजनेस।